हाय एवरीवन, राधा कमल मुखर्जी जी, आज हम इन लेसन को कंप्लीट करेंगे। आप सब जानते हैं कि जीएस घुरिए भारत में समाजशास्त्र के पिता माने जाते हैं, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में समाजशास्त्र को बहुत विस्तृत रूप देने में राधा कमल मुखर्जी जी का बहुत बड़ा योगदान है। जी हाँ, इनका जन्म जो है वो 1889 में 1968 तक रहा इनका जीवनकाल। ये पश्चिम बंगाल के थे, तो बंगाली मुखर्जी थोड़ा सा रिलेट कर लीजिए। आधुनिक भारत के ये बहुत ही प्रमुख चिंतक और समाज विज्ञानी थे। इनकी जो है अध्यक्षता में ही 1921 में लखनऊ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के, इसमें समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में मान्यता मिली। हालांकि पढ़ाया जाना 1914 में ही बंबई विश्वविद्यालय में शुरू कर दिया गया 1919 में, लेकिन अर्थशास्त्र के साथ। फिर 1919 में इसको अलग से एक विषय के रूप में पढ़ाया गया। लेकिन अगर हम बात करें कि इस विषय को जो है मान्यता कब मिली, तो वो 1921 में लखनऊ यूनिवर्सिटी और इन्हीं की अध्यक्षता में मिली। इनका जो है बहुत ज़्यादा रुझान रहा अर्थशास्त्र, मानव शास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन, सभ्यता, कला, संगीत, धर्मशास्त्र, अध्यात्म की तरफ। और सबसे ज़्यादा इनका योगदान रहा है वो मूल्यों के बारे में रहा है, इसलिए इनका जो पूरा अध्ययन है वो मूल्यों के ही इर्द गिर्द घूमता है। अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में इन्होंने एमए की परीक्षा 1910 में पास कर ली। उसके बाद ये जो है, जब ये कलकत्ता में रह रहे थे, तो वहाँ के बस्तियों में बहुत ज़्यादा दुख था, दरिद्रता थी, गंदगी थी, जिसका परिचय इनके आँखों के सामने हुआ उन सब चीज़ों का। तो उनका विश्वास ये था कि अर्थशास्त्र लेना इनका कोई वो नहीं था कि इन्होंने ऐसे ही अर्थशास्त्र ले लिया। इनका ये विश्वास था कि भारत की दरिद्रता, शोषण एवं अधीनता जैसे मुद्दों को वैज्ञानिक एवं उचित उत्तर कौन दे सकता है, वो दे सकता है अर्थशास्त्र। और हर व्यक्ति जो है वो अपने मूल्यों से परिवर्तित होकर चीज़ों को, समाज को परिवर्तन की तरफ ले जा सकता है। इन्हीं सब और के वजह से इनको 1962 में पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया, जो कि भारत में जब भारत रत्न सबसे ऊंचा है, उसके नीचे जो होता है पद्म विभूषण, उसके नीचे पद्म भूषण और पद्मश्री नीचे का मतलब कैटेगरीज होती हैं अवार्ड्स के, जिसमें इनको पद्म भूषण अवार्ड से 1962 में नवाजा गया था। कुछ इनकी पुस्तकें हैं, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक, इसमें ही इनका सारा विचारधारा जो है इसी बुक से जानी जाती है। द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, द कल्चर एंड आर्ट ऑफ इंडिया, चूँकि इनका रुझान कला के क्षेत्र में भी रहा, इंडिया द डॉन ऑफ अ न्यू ईरा एंड ऑटोबायोग्राफी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न इंडिया, द चेंजिंग फेस ऑफ बंगाल, पश्चिम बंगाल के थे तो उन्होंने उस फेस को, बंगाल के परिवर्तन होते हुए चेहरे को भी देखा, रेस, लैंड एंड फूड्स, कैसे प्रजातियां होती हैं, किन जगहों पे रहती हैं, उनका खान पान क्या होता है, द फिलोसफी इन सोशल साइंस, जो सामाजिक विज्ञान है उसका दर्शन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंपरेटिव इकोनॉमिक्स, इन्होंने तुलनात्मक जो है वो भी अध्ययन को अपनाया था। महत्वपूर्ण कार्य इनका मूल्यों पे रहा, मूल्य मतलब वैल्यूज पे। किसी वैल्यूज सबसे पहले समझते हैं क्या है, किसी समाज विशेष की विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, आध्यात्मिक, भौगोलिक पृष्ठभूमि, पर्यावरण एवं आवश्यकताओं के अनुरूप वर्षों से संचित अनुभव के आधार पर समूह कल्याण के उद्देश्य से अभिप्रेरित संस्कृति के अंग के रूप में मूल्यों का विशिष्ट पुंज विकसित होता है। कहने का मतलब ये है कि आज जो हमारे बीच में रूढ़ियाँ बन गई हैं, तो वो कैसे डेवलप हुई हैं, जो कि एक विचार आया, फिर वो आदत में आती गई और उससे लोक रीति, जन रीति बनी, फिर उन जन रीतियों के साथ में कल्याण की भावनाएं जुड़ी, वो प्रथा बनी, अब प्रथा के पीछे भी बहुत सी चीज़ें जुड़ी और वो जाके एक क्या रूप ले लेता है, वो रूप ले लेता है उसका, रूढ़ियों का। अब उसी बेस पे व्यक्ति काम करता है और उसको अगर उसकी विपरीत वो जाता है, तो यानी वो समाज विरुद्ध कार्य कर रहा है। तो यहीं पे, यहाँ पे उनका यही है कि
किसी भी क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, वो सभी का उसके पीछे कुछ ना कुछ संचित मूल्य होता है, जिस आधार पे मतलब समाज के कल्याण के रूप में उन मूल्यों को बनाया जाता है, ताकि समाज उसी के अनुरूप कार्य करे और स्वयं को अभिव्यक्त करे, ताकि जो भी परिवर्तन हो वो उचित दिशा में परिवर्तन। और जिस प्रकार से हम रूढ़ियों का पालन करते हैं, उसी प्रकार ये जो मूल्य होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं, वो व्यक्ति के स्वभाव का अभिन्न अंग बन जाते हैं एवं उसके विचारों व कार्यों में स्वतः ही वो परिलक्षित होते हैं, यानी राधा कमल मुखर्जी जी ने अपनी पुस्तक द डायमेंशंस ऑफ वैल्यूज़ 1964 में जो लिखी थी, उसमें इन्होंने मूल्य को परिभाषित किया। और इनके द्वारा जो परिभाषा दी गई है वो बताया कि मूल्य जो है समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे इच्छा हैं और लक्ष्य हैं जिनका अंतरीकरण सीखने या समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है और जो प्राकृतिक अधिमान्यताएँ, मानक और अभिलाषाएँ बन जाती हैं। कहने का अर्थ ये है कि समाज ने, हम अपनी जैसे संस्कृति को सीखते हैं, उनका समाजीकरण से ही वो हमारे अंदर आती है, सभ्यता हो गई या फिर जो भी हमारे समाज में चली आ रही चीज़ें हैं, हम आज अगर हम जन्म लेते हैं तो हमें पता नहीं होता ना, हमारे समाजीकरण ने ही हमें वो सब चीज़ें सिखाई होती हैं। और जिस तरीके का हमारा वर्तमान का परिस्थिति होता है, हम उसी माहौल को देखते हुए बड़े होते हैं और चीज़ों को समझते हैं कि हमें कैसा व्यवहार करना है या फिर हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल लोग ज़्यादा पाश्चात्य चीज़ें पहन रहे हैं, हम मॉडर्न कपड़े पहनते हैं, मॉडर्न इंग्लिश को आज ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाता है, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये तो हमारे सोसाइटी में धीरे धीरे परिवर्तित होती आ रही है जो हम देख रहे हैं। लेकिन हमारा जब समाजीकरण होता है, हमारे परिवार वाले हमें क्या बताते हैं कि हमारा क्या धर्म रहा है, हमारे पहले जो हमारे महाभारत, रामायण, वो चीज़ें दिखाई जाती हैं, वो किस लिए दिखाई जाती हैं, कि व्यक्ति के अंदर मूल्यों का विकास हो। किसी चीज़ के पीछे, किसी कार्य के पीछे मूल्य होता है जिसको समाज ने निर्धारित किया है। अगर हमें बहुत पैसे कमाने हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने मूल्यों को ताक पे रख दें, अपने वैल्यूज़ को छोड़ ही दें और मतलब बस गलत चीज़ों के पीछे भागें। तो इसी यही मूल्य जो होते हैं हमें समाजीकरण के द्वारा मिलते हैं, और हमसे समाज ये है इच्छा रखता है और हमसे ये वो अभिलाषा रखता है कि मतलब सिर्फ हमसे नहीं, पूरी सोसाइटी के लोगों से अभिलाषा रखता है कि व्यक्ति उसी के अनुरूप कार्य करेगा, अनिच्छित व्यवहार वो नहीं करेगा, अपने मूल्यों को नहीं छोड़ेगा। उदाहरण से समझिए कि कोई अधिकारी है, उसके क्या मूल्य होते हैं, क्या कर्तव्य होते हैं। कहते हैं ना कि लोग, हम अपने आदर्शों और उसूलों को नहीं छोड़ सकते, तो वो किससे आता है, मूल्यों से। वैल्यूज़ जो हैं, अगर किसी व्यक्ति के पीछे है, उसके अंदर है, तो वो उचित कार्य ही करेगा और उचित तरीके से समाज ने जो व्यवहार निर्धारित किया है, और उन व्यवहारों को हम करते कैसे हैं, उसके पीछे आदर्श, मूल्य, इन्हीं के द्वारा हम अपने जो समाज ने व्यवहार का प्रतिमान बनाया है, पैटर्न बनाया है, उसी के अनुरूप व्यवहार करते हैं। और जब हम नहीं करते हैं तो समाज में जो भी परिवर्तन होता है वो अच्छा परिवर्तन नहीं होता है। तो मुखर्जी जी ने कई तरीके के मूल्य बताए हैं, एक जो है महत्वपूर्ण मूल्य बताया है, और एक जो है इन्होंने कहा कि उस मूल्य का कोई भी उतना प्रेशर नहीं होता है समाज पे। जैसे कि आप गर्मी की छुट्टियों में जा रहे हो और कहीं आपको अमरूद दिखा, दो चार आप दोस्त हो तो उसमें से दो चार आपने अमरूद चुरा लिए, मतलब तोड़ लिए खेल खेल में, तो क्या उसके पीछे अब आप मूल्य देखोगे कि यार हमारा ये आदर्श नहीं है, हमें ये चोरी कहलाएगा कि क्या कहलाएगा। ये तो आपने बस एक करते बचपना में, ये सब बच्चे करते, सब इंसान करते हैं, तो इस ये मूल्य जो होते हैं वो समाज द्वारा अमान्य नहीं माने जाएंगे। लेकिन वही जब आप एक बहुत ही उच्च पद पे आसीन हैं और आप किसी गरीब पर्सन को या फिर जो दलित हैं, जो भी पिछड़े हुए व्यक्ति हैं जिनका पहुंच नहीं है ऊंचे अधिकारियों तक, तो आप उनके साथ शोषण कर रहे हैं, तो यहां आप अपने मूल्यों और अपने जो व्यवहार समाज द्वारा बनाया गया है उनका आप हनन कर रहे हैं। इन मूल्यों की बात जो है राधा कमल मुखर्जी जी करते हैं, जिससे समाज पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है।
आगे उन्होंने व्यक्ति मूल्य व समाज का पारस्परिक संबंध माना है, और आप बिल्कुल, मूल्य का समाज से बहुत ज़्यादा संबंध है और उन्हीं के पारस्परिक आदान प्रदान से व्यक्ति के पूर्ण बनने की बात कही, और इसी आधार पे जो समाज होता है उसका क्या बोलते हैं अच्छे तरीके से परिवर्तन होता है। मुखर्जी जी ने मूल्यों की उत्पत्ति व विकास के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा की है, और ये कहा है कि कोई भी चीज़ जो है उत्पत्ति उसकी मतलब अचानक से नहीं हो जाती है, उसको विभिन्न प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें इन्होंने बताया है कि पहली प्रक्रिया लक्ष्य होता है, फिर आदर्श, मान्यता और मूल्य। मतलब इन चरणों से होकर गुजरते हुए मूल्य जब मनुष्यों की चेतना में स्थायित्व प्राप्त कर लेती है और उसे उसमें प्रविष्ट हो जाती है, तब यह मूल्य बन जाते हैं, क्योंकि ये हमारे रहन सहन में आ जाती है और हम इसी के अनुरूप कार्य करने। मुखर्जी जी ने मनुष्य के मूल्यों की रचना, मनुष्य जो है मूल्यों की रचना स्वयं करता है और उसका अमल भी वो स्वयं करता है, यानी कि उन्होंने मनुष्य के मूल्य का स्रोत ही नहीं है मनुष्य, वरन मूल्यों का निर्णायक भी है, वही उसको बनाता है, उसको फॉलो भी करता है। इस चीज़ को आप स्लाइड पे पढ़ लीजिएगा, इसको और अच्छे से समझ लीजिएगा। इन्होंने यही कहना चाहा है कि व्यक्ति के कोई भी अपने मूल्य कब बनते हैं, जब वो समाज में बड़ा होता है, कोई मूल्य लेके वो पैदा नहीं होता है, लेकिन जब वो अपना मूल्य बनाता है, जैसे कि मान लीजिए व्यक्तिगत मूल्य जो होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति स्वयं बनाता है, उसने समाज को ही देख के उस व्यक्तिगत मूल्य का निर्धारण किया होता है, और जब उस मूल्यों में कभी कभी हम उस मूल्यों से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है तो संघर्ष की भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और जो है गतिविधियां अस्त व्यस्तता भरा जीवन भी की तरफ भी ले के ये मूल्य जो है वो चली जाती हैं। इसी क्रम में योगेंद्र सिंह हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन में चार प्रमुख मूल्यों का उल्लेख किया है, समग्रता, सोपान क्रम, निरंतरता, पारलौकिकता, एग्जाम में आता भी है, जिन पर परंपरागत सामाजिक व्यवस्था संगठित थी। परंपरागत जो सामाजिक व्यवस्था थी वो किन मूल्यों पर संगठित थी? समग्रता, सोपान क्रम, निरंतरता था, उसमें पारलौकिकता था। उस समय के जो मूल्य थे उनका जो आधार था वो ये चारों। ये कहते हैं कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ने परंपरागत मूल्यों की संरचनाओं में परिवर्तन कर दिया है, यथा जो पहले सोपान क्रम से समानता की तरफ आ गया है, अब मूल्य समग्रवाद से व्यक्तिवाद की तरफ आ गया है, मतलब सभी को लेके चलने वाला जो मूल्य था अब व्यक्तिवादी मूल्य ज़्यादा बन गया है, निरंतरता से अभी ऐतिहासिकता तथा पारलौकिकता से इहलौकिक तर्कवाद, जैसे कि पहले भगवान जी को मूल, भगवान सब कुछ हैं, ऐसा मूल्य था, ऐसा करोगे तो भगवान तुम्हें दंड देंगे, मतलब अलौकिक शक्तियों पर ज़्यादा विश्वास था, हमारा मूल्य उसी के आधार पर कार्य करता था। लेकिन अब जो है रैशनलिटी आ गई है, अब लोग जो है वो क्या करते हैं, तर्क करने लगे हैं, तो नवीन मूल्यों के सम्मिश्रण से परंपरागत भारतीय सामाजिक मूल्यों में अभूतपूर्व परिवर्तन उत्पन्न हुए हैं। ये इनको भी पढ़ना आपके लिए जरूर। जो परंपरागत मूल्य था, अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्यु मा मृतम गमय, उन मूल्यों में जो है अभी परिवर्तन होता जा रहा है। डीपी मुखर्जी जी, जो कि आपके सिलेबस में इनका नाम तो नहीं दिया है, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन के हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इन्होंने भी जो समाज में परिवर्तन हो रहे हैं उसको परंपरा के आधार पे देखा है। इन्होंने अपनी पुस्तक डाइवर्सिटी 1958 में कहा कि परंपरा जो है वो परिवर्तित होता है धीरे धीरे और संरचित भी होता रहता है। भारत में जो सामाजिकता का पहलू विविधता है, और उसका जो कहा है कि ये विविधता जो है वो केंद्र बिंदु के इर्द गिर्द जो है वो घूमता रहता है। इन्होंने कहा कि जो भूतकालीन परंपरा थी और वर्तमान परंपरा है, इन दोनों, अभी जो हम प्रेजेंट टाइम में परंपरा हमारी चल रही है वो इन दोनों का मिक्सर है, एक जीवंत परंपरा है और जो है ये हमेशा बदलता रहता है। जैसे ये मार्क्सवादी परिपेक्ष को मानते थे और इन्होंने अपने आप को मार्क्सवादी ही कहा है,
जैसे कि मार्क्स कहते हैं कि समाज किस तरीके से चलता है, वाद, प्रतिवाद और संवाद, इसमें निरंतरता बनी रहती है। इसी के अकॉर्डिंग समाज जो है वो परिवर्तन होता है, नए सामाजिक चीज़ें हमारे सामने आती रहती हैं। तो डीपी मुखर्जी जी ने भी इसी चीज़ को आधार बनाया और कहा कि परिवर्तन के लिए तीन सिद्धांत इन्होंने दिए, श्रुति, स्मृति और अनुभव। व्यक्ति चीज़ों को सुनता है, उसको याद रखता है और फिर उसको अपने अनुभव के आधार पे उसमें परिवर्तन करता रहता है। जैसे कि हम पहले जानते थे कि भगवान ही सब कुछ है, ठीक है, या फिर चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। पंडित जो है उन्होंने हमारे समाज में बना दिया कि हमें पिंड दान करना चाहिए, ऐसी चीज़ें आत्मा को शांति मिलती हैं, ठीक है, वो हमने उस चीज़ को फॉलो किया। लेकिन जब स्मृति में रखा, फिर जब धीरे धीरे हम थोड़े रैशनल हुए, तो ये अनुभव किया कि जो इंसान नहीं है इस धरती पर, हम उसके लिए इतना खर्च कर रहे हैं और ले तो सब कौन जाता है, जो ब्राह्मण हैं वो ले जाते हैं, तो क्या ये सही है? तो फिर उस विचार में परिवर्तन आया, उस परंपरा में परिवर्तन आया। तो फिर ऐसे ही फिर श्रुति, स्मृति, अनुभव के आधार पे जो है वो समाज में परिवर्तन चलता रहता है। लेकिन इनका मानना है कि भारतीय परंपरा वो परिवर्तित हो रही है, लेकिन वो अपने संस्कृति के साथ परिवर्तित हो रही है। इसने अपनी, जैसे कि हम कितने भी वेस्टर्न हो जाएं, लेकिन आज भी हम अपने कल्चर को, अपनी परंपरा को भूले नहीं हैं। तो इस प्रकार ही जैसे राधा कमल मुखर्जी जी ने मूल्यों में परिवर्तन को मान्यता दिया, परंपरा में परिवर्तन डीपी मुखर्जी जी ने बात की, ऐसे ही बहुत से डैनियल लर्नर जी ने जो कि द पासिंग ऑफ ट्रेडिशन में बात की थी, और एससी दुबे जिनकी बुक जो मेंट, उसमें इन सब ने मूल्य, परंपरा, संस्कृति के परिवर्तन की बात की है कि ये सोसाइटी में होते रहते हैं, क्योंकि जो संरचना है समाज की वो अपरिवर्तनशील है, वो स्थिर नहीं है, वो अस्थिर है। तो हमें उनको उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए और समाज में जिन चीज़ों की मान्यता है उसके आधार पे ही समाज को समझना चाहिए।